अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं ये स्टूडेंट्स। मैट्रिसेस के चैप्टर में आज हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर मैट्रिसेस ओवर। इस वीडियो में हमारे पास टू टाइप्स हैं इसकी, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है मैट्रिसेस के लिए हो या रियल नंबर के लिए हो। रियल नंबर के लिए हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस के अंदर कि a प्लस a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसमें देखिए तो ये जो है वो यहाँ पे बिटवीन में प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर क्या कर देते हैं ओवर एडिशन। और अगर प्लस की बजाय माइनस यूज कर लिया जाए यानी a इंटू बी माइनस सी और यहाँ क्या आ जाएगा ए बी माइनस ए सी, तो ये क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी जो है हम अर्लियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और ये हमने रियल नंबर के लिए डिस्कस की थी। आज हम जो है यही प्रॉपर्टी है लेकिन हमने जो है नंबर्स की बजाय क्या करने हैं मैट्रिसेस लेने हैं, तो इसकी हमारे पास जो है वो टू टाइप्स हैं। उन टू टाइप्स को राइट करते हैं कि वो टू टाइप्स हमारे पास क्या आ रही हैं जी। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट टाइप जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वो हमारे पास है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब देखिए इसके बिटवीन में प्लस है तो ये क्या आ जाएगा ओवर एडिशन। और जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे प्लस की बजाय क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी और ये क्या आ जाएगा ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी ये मनफी के लिहाज से और वो प्लस के लिहाज से और वो एडिशन में होगी। ये स्टूडेंट साहब हमने इन प्रॉपर्टीज को जो है वो डिफरेंट मैट्रिसेस लेके प्रूव भी करना है कि ये क्या ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं ये होल्ड करेंगी भी या नहीं करेंगी, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमने जो है इसको डिस्कस करना है। तो इसके लिए हमारे पास 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट थर्ड और ये पार्ट फोर है हमारे पास। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं और इसके लिए लेते हैं कि यहाँ हमारे पास ए बी सी 3 मैट्रिसेस गिवन है। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स है यहाँ पे माइनस 1 3 2 0 ये हमारे पास है ए, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 माइनस 3 माइनस 5 और सी हमारे पास है 2 1 1 3। ये हमारे पास 3 जो है वो मैट्रिसेस हैं। इन मैट्रिसेस को लेके हमने जो है वो इसको प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या फिर नहीं करती। तो इसके लिए अब हम जो है इसका पार्ट फर्स्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यानी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी उसकी है ये हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो अभी इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी
यहाँ हमारे पास आ जाएगा a, a हमारे पास है माइनस वन थ्री टू जीरो इंटू बी, बी हमारे पास है वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव प्लस, यहाँ आ जाएगा c टू वन वन थ्री। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये a मैट्रिक्स एज इट रहेगा माइनस वन थ्री टू जीरो, और यहाँ जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। आप देखिए ये वन प्लस टू ये आ जाएगा थ्री, टू प्लस वन ये भी थ्री, माइनस थ्री प्लस वन और ये बन जाएगा माइनस टू, माइनस फाइव प्लस थ्री और ये भी आ जाएगा माइनस टू। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। अब ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये बन जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू। फिर इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू। फिर हम यहाँ से सेकंड रो लेते हैं तो इधर से आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, यहाँ भी टू मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस टू। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस वन को, ये हमारे पास आ रहा है ए इंटू बी प्लस सी, और ये रिजल्ट माइनस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस थ्री, प्लस माइनस माइनस टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स, माइनस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री, प्लस माइनस माइनस सिक्स, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स, फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे टू को तो जीरो, और इधर थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स, प्लस जीरो को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी जीरो आ जाएगा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन, माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन, जीरो प्लस सिक्स सिक्स और इधर भी आ जाएगा सिक्स। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। अब अगर हम राइट साइड को देखें तो राइट साइड के लिए हमें चाहिए ए बी ए सी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, पहले ए बी और ए सी फाइंड करते हैं, फिर हम जो है इसको राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो नाउ हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हम ए बी कैलकुलेट करते हैं। ए बी हमारे पास बनेगा, ए हमारे पास है माइनस वन थ्री टू जीरो, और बी हमारे पास आ जाएगा वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन, फिर थ्री को माइनस थ्री से प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, फिर हम इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव, फिर सेकंड रो टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, फिर आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव। अब यहाँ सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री नाइन, ये आ जाएगा माइनस टू प्लस माइनस माइनस फिर माइनस ये हो जाएगा प्लस, फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव, फिर यहाँ पे आ गया टू मल्टीप्लाई बाय वन टू, जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री जीरो, और इधर आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय फाइव जीरो, और ये सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा माइनस टेन, और यहाँ से हमें मिलेगा प्लस थ्री और इधर से टू और यहाँ से फोर। ये हमारे पास ए बी का रिजल्ट आ गया। और अब हम जो है दूसरा रिजल्ट ए सी वाला कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से कुछ पार्ट जो है वो अरेंज कर देते हैं ताकि हमारा ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाए। जी तो अब हम
ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब ए सी कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए सी, ए हमारे पास माइनस वन थ्री टू जीरो इंटू, सी हमारे पास है टू वन वन थ्री। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन, उसके बाद है प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकंड रो, यहाँ से हमारे पास आ रहा है टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय वन, फिर आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस यहाँ आ जाएगा जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू माइनस टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन थ्री। माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन, और यहाँ पे टू को टू से मल्टीप्लाई करते हैं फोर, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा जीरो। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये वाला टू वन से मल्टीप्लाई होगा टू प्लस थ्री जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, और अब इसका रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा माइनस टू प्लस थ्री वन, फिर आ रहा एट नाइन माइनस वन ये आ जाएगा एट, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है फोर, जीरो से मल्टीप्लाई होगा फोर और टू जीरो से मल्टीप्लाई होगा सॉरी ऐड होगा तो वो बन जाएगा टू। उसके बाद हमारे पास इसका जो है ये रिजल्ट बन रहा है जी स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे एक हमारी जो है वो मिस्टेक है, उसको हम यहाँ से क्लियर कर लें। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का ये जो सेकंड कॉलम के साथ है ये थ्री यहाँ पे आना है, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस फिफ्टीन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सेवनटीन। अच्छा अब हम जो है ये हमने ये इसका सेकंड पार्ट ये भी कैलकुलेट कर लिया, तो आप पूरी राइट हैंड साइड लिखते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी प्लस ए सी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए हमारे पास ए बी, ए बी का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है माइनस टेन माइनस सेवनटीन टू फोर प्लस ए सी, ए सी हमने अभी ये कैलकुलेट किया वन एट फोर टू। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं यानी इनको प्लस करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। अब ये देखिए माइनस टेन प्लस वन तो ये आ जाएगा माइनस नाइन, माइनस सेवनटीन प्लस एट तो यहाँ से भी आ गया माइनस नाइन, टू प्लस फोर सिक्स, फोर प्लस टू करेंगे तो ये भी सिक्स आ जाएगा। और देखिए ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है ए इंटू बी प्लस सी, और ये वाला रिजल्ट हमारा जो है वो क्या आ रहा है राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को जो है वो हम इन मैट्रिसेस के लिए प्रूव कर चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो रही है इन मैट्रिसेस के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड कर रही है। अब इसके बाद हम एसोसिएट सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, क्या ये ओवर सब्ट्रैक्शन भी इसमें होल्ड करेगी या नहीं, तो उसके लिए भी हम इसी क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट फोर ले रहे हैं, जो हमारे इन प्रॉपर्टीज का पार्ट जो है वो सेकेंड टाइप है, इसको हम अप्रूव करते हैं।
तो अब हम इस प्रॉपर्टी को लेते हैं। अब इस प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी माइनस सी। अभी हम पुटिंग करते हैं, a हमारे पास आ रहा है माइनस वन थ्री टू जीरो इंटू बी, बी हमारे पास है वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस, ये आ जाएगा टू वन वन थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा, ये वही रहा माइनस वन थ्री टू जीरो इंटू, अब ये माइनस करना है तो ये आ जाएगा वन माइनस टू, टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन माइनस फाइव माइनस थ्री। अभी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला माइनस वन थ्री टू जीरो, ये एज इट रहेगा, ये वन माइनस टू माइनस वन, टू माइनस वन वन, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, और ये वाला आ गया माइनस एट। अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस, फिर आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस एट। अब सेकेंड रो टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर, फिर सेकेंड कॉलम से टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस एट। अभी हम इसको यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। ये हमारे पास आ रहा है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस, वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन, प्लस माइनस माइनस, थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व, फिर ये माइनस वन ये प्लस वन, यहाँ से माइनस वन माइनस प्लस माइनस माइनस वन माइनस, थ्री को एट से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर, टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टू, फिर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे फोर को तो वह जीरो, टू को वन से मल्टीप्लाई किया टू, फिर माइनस एट को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है माइनस इलेवन, और ये दोनों माइनस के हैं, इनको ऐड कर देंगे माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस टू एंड टू, तो ये हमारे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ रहा है। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, इसमें ए बी और ए सी हमारे पास आ रहा है, तो पहले हम ए बी और ए सी को कैलकुलेट करते हैं। नाउ ए बी इज इक्वल टू, ए हमारे पास है माइनस वन थ्री जीरो सॉरी टू जीरो, और यहाँ आ जाएगा वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, फिर हम जो है वो इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू, फिर आ जाएगा प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव, और ये हमारे पास आ रहा है टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, फिर आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन माइनस नाइन माइनस टू माइनस फिफ्टीन, ये आ गया टू प्लस जीरो फोर प्लस जीरो। सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट मिलेगा माइनस टेन, और ये वाला माइनस सेवनटीन, ये वाला आ जाएगा टू, और ये वाला आ जाएगा फोर।
ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ए बी का। अब हम ये दूसरा पार्ट जो हमारे पास आ रहा है ए सी, इसको कैलकुलेट करते हैं। ए हमारे पास है माइनस वन थ्री टू जीरो इंटू सी, सी हमारे पास है टू वन वन थ्री। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद आ रहा है माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री। फिर सेकेंड रो स्टार्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय वन। फिर हमको उससे मल्टीप्लाई करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री, और यहाँ इसको क्लोज कर देंगे। और इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस टू प्लस थ्री, और इधर वाला माइनस वन प्लस नाइन, ये आ जाएगा फोर प्लस ज़ीरो, और ये वाला है टू प्लस ज़ीरो। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वन, इधर से आ गया एट फोर एंड टू। स्टूडेंट ये हमारे पास रिजल्ट है ए सी का। तो अभी हम पूरी राइट हैंड साइड लिखते हैं यहाँ पे और उसको देखते हैं कि वो पूरा हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या बनेगा। तो अभी चेक करते हैं, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी माइनस ए सी। अब ए बी का रिजल्ट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और वो हमारे पास है माइनस टेन माइनस सेवनटीन टू फोर, और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस ए सी वन एट फोर टू। अभी माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस टेन माइनस वन, फिर आ जाएगा माइनस सेवनटीन माइनस एट टू माइनस फोर फोर माइनस टू। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा ये दोनों नेगेटिव हैं तो नंबर ऐड हो जाएंगे माइनस इलेवन, ये दोनों भी नेगेटिव माइनस ट्वेंटी फाइव, और इधर हमारे पास ये टू माइनस फोर तो ये आ जाएगा माइनस टू, फोर माइनस टू करेंगे तो ये आ जाएगा टू। ये स्टूडेंट्स ये देखिएगा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल रिजल्ट था जो कि माइनस इलेवन माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस टू एंड टू। अब देखिएगा ये राइट हैंड साइड का भी फाइनल रिजल्ट है और ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों जो है वो मैच हो रहे हैं, इससे ये बात प्रूव हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल हैं। तो लिहाजा ये बात ये प्रूव कर रही है कि ये जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन भी जो है वो क्या करती है होल्ड कर रही है। जी स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिसेस के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की दोनों टाइप्स को जो है वो मैट्रिसेस लेकर उनको हमने प्रूव किया। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके अल्लाह।